आए हम प्रभु का धन्यवाद करें, उसके पवित्र नाम की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु ने हमें सप्ताह भर संभाला है, उसकी दया और उसके उपकारों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। उसकी दया और उसका अनुग्रह हम सब पर हुआ है, उसकी करुणा हम पर हुई है, हम प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, हम बचाए गए हैं, ये उसकी महान करुणा है। हम जीवित हैं, ये उसकी दया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपने मनों को तैयार करें उसकी आराधना के लिए। हालेलुया, हालेलुया, उसकी उपस्थिति से भरने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद यीशु। रिबालाबा शिकारा बारा 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 बा। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा यीशु, तेरी महिमा यीशु, तेरी महिमा। यस, तू ही आराधना के योग्य है, तू ही महिमा के योग्य है। हालेलुया, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। रीबा शिकारा बारा 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 बा। धन्यवाद पिता, इस समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु, हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। हालेलुया, रीबा शिकारा बारा 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 बा। तेरी उपस्थिति से हर एक जन भरने पाए आज, तेरी सामर्थ और तेरे अभिषेक से हर एक जन भरने पाए। रीबा शिकारा बारा 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 बा। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति, हालेलुया, तेरा घेरा यहाँ पर होने पाए। रीबा खबरा बरा 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 बा। हर एक बीमार आज चंगे होने पाए, हर एक बीमार यीशु के नाम से आज चंगे होने पाए। रीबा शिकारा बरा 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 बा। रीबा खबरा बरा 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 बा। रीबा लबा शे बरा 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 बा। यीशुवा तेरी महिमा, यीशुवा तेरी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे अभिषेक से भरने पाए तेरे लोग, तेरे वचन से हालेलुया भरने पाए तेरे लोग। रीबा शिकारा बरा 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 बा। धन्यवाद पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितने उपस्थित है आपके हाथों में सौंपते हमारे मन और विचार के ऊपर, पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण होने पाए। सिर्फ सारी आराधना तुझे देने पाए, सिर्फ तुझे आराधना देने पाए आज, ऐसा होने दे। धन्यवाद पिता। बजाने वाले, गाने वाले हर एक जन को प्रभु आपके हाथों में सौंप, आपकी आत्मा से भर कर आत्मा और सच्चाई के साथ आपकी आराधना करने पाए। धन्यवाद पिता, यही दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्यों ना अपने जगह पे हम खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह को आदर देते हुए हम विश्वास करते हैं, आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, आराधना में अद्भुत काम होते हैं, और ये विश्वास करने वालों में ये होंगे। और प्रभु यीशु की महिमा आप अपने जीवन में महसूस करोगे। आमीन, हालेलुया। यस, वचन कहता है मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यीशु की जय, प्यारा प्रभु
हम यीशु से करते हैं, यीशु हमारी प्रार्थना को सुनता है। वचन कहता है मांगोगे तो तुम्हारे लिए दिया जाएगा, तुम्हें मिलेगा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम।
उठाइए, परमेश्वर की महिमा करिए। शरीर के अंदर जो रोगों से पीड़ित है, कई लोग मेंटली डिस्टर्ब है, विचारों से पीड़ित है, आज हम ये घोषणा करते हैं परमेश्वर का छुटकारा, परमेश्वर की ओर से चंगाई हम घोषणा करते हैं। हालेलुया, परमिशन की प्रार्थना, परमिशन की प्रार्थना से, परमिशन की प्रार्थना से। परमेश्वर हमें आशीषों से भरने वाला, ओ हमें चंगाई देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, वो हमारा एक ही सहारा है, चाहे कष्ट हो, चाहे आंसू हो, चाहे मुश्किलें हो, लेकिन वो हमारा सहारा, उसकी हम आराधना करते हैं। यस, इस प्रकार समुद्र में राख खोलता है, आज भी हमारे लिए वो राख खोलने वाला परमेश्वर। कुछ ऐसी बातें जो हम देख नहीं सकते या रुकावट के रूप बन गई हो, लेकिन आराधना के बीच में वो हमारे लिए खोलने वाला परमेश्वर। समुद्र में
कभी टलते नहीं। आकाश और पृथ्वी सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका वचन कायम रहेगा। विश्वास ओ हमें चंगा करता है।
क्योंकि विश्वास हमने यीशु मसीह पर किया है। हालेलुया, वो एक ही सहारा है हमारे कष्टों में, हमारे आंसुओं में, हमारे मुश्किल की घड़ी में। ओ इस कोरोना के महामारी के अंदर, उसके बीच में, उस दलदल की कीचड़ में प्रभु यीशु मसीह आज पुकार रहा है। हालेलुया, ओ यस, उसके वादे सच्चे हैं, उसके वादे सच्चे हैं। हालेलुया, ओ धन्यवाद। हम वापिस एक लाइन को गाएंगे, हमारे वादों का भरोसा नहीं, लेकिन उसके वादे कभी टलते नहीं। लिखा है तीन अध्याय उसके पांच बीस प्रकार लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा कभी ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यीशुआ पर, परमेश्वर पर भरोसा रखना। हालेलुया, किसी को किसी पर भरोसा रहे, किसी को किसी चीज पर भरोसा, लेकिन धन्य वे लोग हैं जो यहोवा पर, यीशुआ पर भरोसा रख के आगे बढ़ते हैं। उनके लिए लाल समुद्र भी खुल जाएगा, उनके लिए फिरौन पीछे पड़ा होगा शत्रु के समान, लेकिन वो कामयाब नहीं होगा, क्योंकि मेरा यीशु मसीह, आपका यीशु मसीह हमारे हर परेशानियों में शामिल है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, कितने ऐसे सारे लोग बोझ से दबे हुए हैं, कितने सारे लोग चिंताओं में पड़े हुए हैं, किसी को खेत की चिंता, किसी को नौकरी की चिंता, किसी को व्यवसाय की चिंता, किसी को ओ परिवार को लेकर चिंता, किसी को बच्चों को लेकर चिंता, कई परेशानियों से गुजर रहे हैं। हम नहीं जानते व्यक्तिगत रूप से, लेकिन प्रभु आपकी आत्मा जानता है, और हम ये प्रार्थना करते और घोषणा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ उनके घरों में एक बारिश के रूप में बरसने पाए, नदी के समान बहने पाए, प्रभु का सामर्थ। हालेलुया, मंडली को तूने अभी तक चलाया, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। सारी महिमा सारा आदर यीशु केवल तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना को मानते हैं। आना हमारे जीवन में सबसे सौभाग्य की बात है, और आज हम ये देखेंगे कि प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है। लुका की इंजील उसका 17 अध्याय उसकी 20 से 30 आयत तक पढ़ेंगे।
लुका की इंजील उसका 17 अध्याय 20 से 30 आयत तक पढ़ेंगे। जब फरिसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग यह न कहेंगे देखो यहां है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। फिर उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे देखो वहां है या देखो यहां है, परंतु तुम चले न जाना और ना उनके पीछे हो लेना, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर के कान पर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराए। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक और आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यार पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं जो कुछ आपने कहा है उसको बांटने के लिए, उसको सुनने के लिए, उसको समझने के लिए, आपको जानने के लिए, आपके राज्य को समझने के लिए, आपके प्रेम को समझने के लिए। हमारे मन की आँखों को खोल, हमारी जीभ को खोल, हमारे कानों को खोल। हालेलुया, हालेलुया। हमारे हृदय में, हमारे कानों पर, हमारी आँखों पर यीशु का लहू ले लेते हैं। हमारे जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। यू स्पीक टू अस, ग्लोरीफाई योर नेम थ्रू ब्लेसिंग अस। हालेलुया, हमको सब बातों में आगे ले चल, क्योंकि तू ही हमारी आशीष का सोता है। ये छोटी प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय 13 आयत पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय 13 आयत पढ़ेंगे। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। हालेलुया, हालेलुया। सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, सुसमाचार का वचन। हालेलुया, गुड न्यूज। अगर संसार में कोई सुसमाचार है तो कौन है? मूसा सुसमाचार है? ओल्ड टेस्टामेंट सुसमाचार है? नहीं है। हालेलुया, सुसमाचार कौन है? यीशु सुसमाचार है। हालेलुया, ऐसे लिखा हुआ है, हालेलुया, कि परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया। हालेलुया, हम यहूदियों के समान यहां ना बैठे। हालेलुया, हालेलुया। सुसमाचार बाइबल ऐसे बताती है, यीशु मसीह ने इस तरह से बोला, अभी जो पाठ पढ़ रहे थे वहां लिखा हुआ है, हालेलुया, मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन देखना चाहोगे, एक घड़ी देखना चाहोगे। ओल्ड टेस्टामेंट में के दिनों में से नहीं, मनुष्य के पुत्र के दिनों में से।
एक घड़ी देखना चाहोगे, एक छुटकारे की घड़ी, एक चंगाई की घड़ी, एक क्षण जिसमें उसने कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल, पुत्र तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे छुड़ा लिया है। एक क्षण देखना चाहोगे और नहीं पाओगे। हालेलुया। सुसमाचार क्या? सुसमाचार है, हम लोग बहुत बार इन बातों में चूक कर जाते हैं। क्यों? सुसमाचार, वचन तुम्हारे पास पहुंचा। सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा। क्या सुसमाचार है? सुसमाचार है क्या? हालेलुया। व्हाट इज गुड न्यूज? हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और 2 आयत। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है यदि उस सुसमाचार को उद्धार होता है यदि उस सुसमाचार को मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। हाँ, आगे पढ़ो। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी। कौन सी बात? सुसमाचार की बात। हालेलुया, तुम्हें पहुंचा दी। हालेलुया, सुसमाचार की बात तुम्हें पहुंचा दी। क्या सुसमाचार है? ये आप पढ़िए। हालेलुया, जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के तीसरे दिन जी भी उठा। दिस इज गुड न्यूज। दिस थ्री वर्ड्स आर गुड न्यूज। हालेलुया, ये सुसमाचार है। हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और जी उठा, और इस पर तुम चलते हो तो वो तुम्हारा छुटकारा है। इस पर विश्वास करते हो तो वो तुम्हारा कौन? यीशु तुम्हारा छुटकारा है। यीशु छुटकारा देता है, यीशु पवित्र आत्मा देता है, यीशु पापों की क्षमाएं देता है, यीशु चंगाई देता है, यीशु सृजन करता है। हालेलुया, यीशु छुटकारा देता है। क्यों? क्योंकि उसने मेरे छुटकारे के लिए अपना लहू बहाया है, अपना प्राण दिया है, मेरी चंगाई खरीद लिया है, मेरा छुटकारा खरीद लिया है, मेरे लिए पिता के दाहिने विराजमान है और परमेश्वर का आत्मा उस पर से मेरे तक यहाँ पर है। हालेलुया, उसमें अभी जब पाठ पढ़ा था उसमें लिखा हुआ है परमेश्वर का राज्य कहाँ है? यहाँ है, अभी तुम्हारे बीच में है। हालेलुया, परमेश्वर का राज्य कहाँ है? अभी तुम्हारे बीच में है। जहाँ यीशु है वहाँ परमेश्वर का राज्य है। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पर? मत्ती की इंजील 18:20। हालेलुया, मत्ती की इंजील, क्या विश्वास करते हैं यीशु यहाँ पर है? यीशु छुटकारा देता है। मेरे रात को 1 बजे उठकर प्रार्थना करने से छुटकारा नहीं देता यीशु। छुटकारा दे, मेरी प्रार्थना आपको छुटकारा नहीं देती, यीशु मसीह छुटकारा देता है, पवित्र आत्मा छुटकारा देता है, परमेश्वर पिता छुटकारा देता है। कान खोल कर सुन लो, सुन रहे हो? यीशु छुटकारा देता है। अभी गाना गा रहे थे, वो सुनता है, आपकी प्रार्थना सुनता है, आप पुकारते हो वो सुनता है। उसने कहा है मांगो तो दिया जाएगा। मैं नहीं कहता, वो कहता है, उसकी सुनो। वो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। यीशु कहता है मैं उनके बीच में होता हूँ। अभी यहाँ है, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। हालेलुया, परमेश्वर के राज्य को ढूंढने के लिए खोडा मकर नहीं जावाना। हालेलुया, कहीं कहीं देवरे पे परमेश्वर का राज्य वहाँ नहीं है। परमेश्वर का राज्य कहाँ पर है? जहाँ यीशु का नाम लिया जाता है वहाँ परमेश्वर का आत्मा। बाकी सब प्रकृतिवाद का आराधना है। हालेलुया,
बाकी सब नेचर की आराधना है, लेकिन परमेश्वर प्रकृति को बनाने वाला है। हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हालेलुया। हम पृथ्वी की आराधना नहीं करते, भवानी की आराधना नहीं करते, हम अम्बा या पृथ्वी की आराधना नहीं करते, हम पात्रों की पूजा पत्थरों की नहीं करते, हम मनुष्यों की पूजा नहीं करते, हम जिंदे परमेश्वर की आराधना करते हैं, हालेलुया। हम जिंदे परमेश्वर की और आकाश और पृथ्वी को संभालने वाले की, परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में बनाया, आदम को अपने स्वरूप में बनाया। मैं अभी आज इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगा, लेकिन लिखा हुआ है, हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां उनके बीच में मैं होता हूं, हालेलुया। डू यू बिलीव इन मी और वर्ड ऑफ गॉड? हालेलुया। डू यू बिलीव? परमेश्वर का वचन सत्य है। तुमने परमेश्वर का वचन सुना जो सत्य का सुसमाचार है। हाल सत्य का सुसमाचार, गुड न्यूज, हालेलुया। ही इज हीलर, ही इज डिलीवरर, ही इज सेवियर, हालेलुया। ही इज हु? जीसस इज, हालेलुया। यीशु, हालेलुया। रोमियों की पत्री पहला अध्याय 16, हालेलुया। रोमियों की पत्री पहला अध्याय 16, हालेलुया। गुड न्यूज, हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, हालेलुया। हर एक सुसमाचार हर एक विश्वास करने वालों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, हालेलुया, हालेलुया। हर एक किसके लिए? हर एक विश्वास करने वालों के लिए। कौन प्रार्थना करता है? जो विश्वास करता है वो प्रार्थना करता है। प्रार्थना कौन करता है? जो विश्वास करता है वो प्रार्थना करता है। सुसमाचार सामर्थ है। जो ही आप सुसमाचार अपने मुंह से बोलते हैं, सुसमाचार की सामर्थ आपकी हड्डियों में, आपके लहू में, आपके तंत्र में काम करना शुरू कर देती है, हालेलुया। सुसमाचार अनंत जीवन का सुसमाचार, छुटकारे का सुसमाचार, चंगाई का सुसमाचार। यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा, और उसी समय सामर्थ उस कोढ़ी के जीवन में बहने लगी और कोढ़ चंगा हो गया। मैं चाहता हूँ जी उठ, और उसी समय जीवन की सामर्थ, पवित्र आत्मा जीवन की सामर्थ है। ही वो आपके शरीरों में, आपके श्वास में, क्योंकि पवित्र आत्मा कौन है? जीवन के श्वास का आत्मा है, हालेलुया। पवित्र आत्मा जीवन के श्वास का आत्मा है। प्रकृति का ऑक्सीजन अलग है, पर हम प्रकृति के श्वास के बात नहीं कर रहे, हम बनाने वाले की बात कर रहे हैं, हालेलुया। हम जो इस पृथ्वी पर श्वास मिल रही है मिट्टी को, हम मिट्टी की देह में रहते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे। जो अनंत जीवन देता है उसकी बात कर रहे हैं, हालेलुया। जो बिगड़ी परिस्थितियों को भी सही कर सकता है, जो मरे हुओं को भी जिला सकता है, जो छुटकारा दे सकता है, उसकी बात कर रहे हैं, हालेलुया। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने के लिए, करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। उद्धार करने के लिए परमेश्वर का सामर्थ, छुटकारा देने के लिए परमेश्वर का सामर्थ। किसके नाम है सुसमाचार? कौन है? यीशु है, हालेलुया। सुसमाचार कौन है? यीशु है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वापस जाएंगे हम 17 अध्याय में लुका की इंजील, वहां इस तरह से लिखा है, हालेलुया, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देख पाओगे। किसको बोल रहे थे? हम यहूदियों की आराधना नहीं करते, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, यद्यपि परमेश्वर का ज्ञान उनको दिया गया था, हालेलुया।
यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय 9 आयत, यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय 9 आयत। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी, वह जगत में था, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। ये हमारा हाल है, वह जगत में था, यीशु आया, आज हम पहचानते नहीं है। हालेलुया। 10 आयत, 11 आयत, वह अपने घर आया, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, यहूदियों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वह अपने घर आया और यहूदियों ने उसको सूली पर चढ़ा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनों ने, कौन, जगत के क्या हाल हैं? जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, जगत ने उसे नहीं पहचाना, ये हमारा हाल है। हालेलुया। वह अपने घर आया, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। आप सोचते हैं हमारे कम कहीं हमारी स्थिति भी ऐसी नहीं हो जाए? आज जो हम लुका की इंजिल में 70 अध्याय में पढ़ रहे हैं, हमको बड़ी सोच समझ के साथ सुसमाचार को समझना है और इस भेद को भी समझना है कि यीशु मसीह कौन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग तुमसे कहेंगे देखो यहाँ है, देखो वहाँ है, परंतु तुम चले ना जाना और ना उनके पीछे हो लेना, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कोंद कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आगमन भी होगा। बिजली कैसे चमकती है? आकाश ने एक खूने हूँ मोड़ बीजे खूने तक देखा है। हालेलुया। इसका मतलब ये हुआ कि यीशु मसीह जब आएगा ना, तो पूरी पृथ्वी को पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। हालेलुया। हम पृथ्वी की आराधना नहीं कर रहे, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। फोर्थ डायमेंशन, हालेलुया, क्योंकि छाया किए हुए है परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी को सहता है, अच्छा बनाता है, अच्छा बनाया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने जल को भूमि से अलग किया, ये आत्मा जल पर मंडलाता था, वो है सेना। हालेलुया। अभी भी यहाँ पर है पवित्र आत्मा। हम कहाँ मन लगाते हैं? आत्मा पर मन लगाना तो जीवन और शांति, शरीर पर मन लगाना या मिट्टी पर मन लगाना मृत्यु, क्योंकि मिट्टी का शरीर सड़न के अधीन है। हालेलुया। एक दिन सड़ जाएगा, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। और परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक में बोला है मनुष्य तो मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। मनुष्य के शरीर के अनुसार चलने के बारे में बोलता है वो, शरीर और संसार और शैतान की लालसाओं के अनुसार। बहुत बड़ा टॉपिक है। जो आदम की वाटिका में जो सांप आया था, जिसने हवा को बहका दिया था, आज मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन ये बाइबल ये बताती है कि हालेलुया, हालेलुया। परंतु वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा, परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए। इस पहले कहां चढ़ा था यीशु मसीह? क्रूस पर। हालेलुया। यदि आप यीशु मसीह के बलिदान को नहीं समझते तो, यीशु मसीह के क्रूस को नहीं समझते तो कुछ भी नहीं समझते। बाइबल के चमत्कार की कथा कहानियों को समझने से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। हालेलुया। यदि आप यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान को नहीं समझते तो यीशु, आपने मेरे पाप और श्राप ले लिए हैं, बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं होती, आप इन बातों को कभी समझ नहीं पाएंगे कि पवित्र आत्मा किस बात की गवाही देने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। परमेश्वर अनंत जीवन देने वाला है, दया का पिता है, छुटकारा देने वाला है। किन बातों से छुटकारा देने के लिए आया हुआ है? क्योंकि हम संसार, शारीरिक लालसाओं में, संसार की लालसाओं में इतना बुरी तरह रसे बसे होते हैं कि हम संसार की ही पूजा करते हैं, शरीर की ही पूजा करते हैं, अपने घमंड की ही पूजा करते हैं, एक तरह से शैतान की ही पूजा करते हैं, अपने घमंड की, अपने रूप की, अपनी मिट्टी की सेवा करते हैं। हालेलुया। और अपने बारे में खोए हुए होते हैं,
परमेश्वर अपने आपे में से निकाल कर हमको अपने राज्य में लेने के लिए आया, इसीलिए यीशु को भेजा। हालेलुया, परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, दुख उठाया, क्रूस पर दुख उठाया, मर गया, गाड़ा गया, जी उठा, क्रूस पर दुख उठाया। हालेलुया, क्या ये आज से 2000 साल पहले ही हुआ? इसकी योजना तो बरसों पहले बना दी गई थी। हालेलुया, इसकी योजना तो बरसों पहले बना दी गई थी। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 8:11 उत्पत्ति की पुस्तक उसका 8:11 हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसा यहाँ लिखा हुआ है, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें विवाह होते थे, तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट किया। हालेलुया, सिर्फ बाइबल में ही इसका व्यवस्थित वर्णन मिलता है, संसार में कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। हालेलुया, सिर्फ बाइबल ही परमेश्वर की पुस्तक है। हालेलुया, सिर्फ बाइबल का वचन ही सत्य वचन है। हालेलुया, क्योंकि इसमें आने वाले उद्धारकर्ता का वर्णन है। हालेलुया, इसमें आने वाले वणजारे का, जो लेने के लिए, दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है, उस वणजारे का वर्णन है। क्योंकि दुल्हन है वो कलीसिया है और जो वणजारी है वो कलीसिया। वणजारी का मतलब होता है ये देश मेरा नहीं है। हालेलुया, और मेरा देश कहीं और है और मेरा दूल्हा मुझे लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया, मेरा दूल्हा मुझे या कलीसिया को या उसकी दुल्हन को या वणजारी को लेने के लिए, ये संसार में कहाँ है? ये सिर्फ बाइबल में मिलता है। हालेलुया, हमारे लोग कथाएं तो कहते हैं लेकिन प्रलय की बात तो करते हैं, लेकिन प्रलय में क्या भविष्यवाणी की गई थी उसके बारे में नहीं जानते। यही भविष्यवाणी बाइबल के अंदर है, 8:11। हालेलुया, हालेल 8:11। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। जैतून, हम गीत गाते थे, मैं समझता नहीं था इन बातों को, जैतून नी डाली ले आवे लो। हालेलुया, हम बहुत सुंदर गीत गाते थे पर मैं इन बातों को कभी नहीं समझा। एक दिन अचानक जब मैं नहा रहा था तो मुझे कानों में एक शब्द गूंजने लगा, जैतून की डाली, जैतून की डाली, जैतून की डाली। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब मैं इस पे मनन करने लगा तो मुझे 8:11 पर जाना पड़ा। उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक मूसा के द्वारा लिखी गई थी, लेकिन मुझे ये मालूम है कि उत्पत्ति की पुस्तक मूसा से भी पहले लिखी गई थी या नहीं, मुझे ये मालूम नहीं है। हालेलुया, क्योंकि बाइबिल जो पुराना नियम है वो 3500 साल पहले लिखा गया था। हालेलुया, 3500 साल पहले, यीशु मसीह 2000 साल पहले आए और मूसा यीशु मसीह के आने से 1500 साल पहले हुए थे। हालेलुया, और नूहा 6000 साल पहले हुए थे। हालेलुया, 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 क्योंकि बाइबल बिल्कुल एक्यूरेट पुस्तक है और इतिहास का एक्यूरेट वर्णन करती है। हालेलुया, पृथ्वी पर 6000 साल का इतिहास है और पृथ्वी कब बढ़ गई इसका भी वर्णन बाइबल के अंदर है, 5:25। हालेलुया, जल प्रलय के समय ही जैतून के देश से जो उद्धार करता है वो जैतून के देश से आएगा, इसकी भविष्यवाणी कर दी गई थी। और जैतून का पहाड़ पूरी पृथ्वी पर एक पहाड़ है और वो यरूशलेम के पहाड़ के सामने है। हालेलुया, जहाँ पर यीशु मसीह स्वर्गारोहण हुआ और बाइबल ऐसे बताती है कि वहीं वापस उतरेंगे। हालेलुया, यीशु मसीह वापस जैतून के पहाड़ पर ही आने वाले, जैतून के देश से आने वाले हैं। हालेलुया, यीशु मसीह आ गए और जैतून के देश से ही आ गए, और जैतून का देश है वो पृथ्वी के बीचों बीच है। हालेलुया, 9:11 उत्पत्ति की पुस्तक 9:11 8:20। हालेलुया, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। बिना बलिदान के वाचा नहीं बांधी जाती,
बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। यीशु के नाम में ही क्यों छुटकारा है? क्योंकि यीशु के नाम में परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा करने का प्रबंध किया है। जब भी आप यीशु का नाम लेते हैं तो आपके हृदय में ये बात होनी चाहिए कि यीशु, आपने मेरे लिए अपना लहू बहाया, अपना प्राण दिया है, आप मुझे छुटकारा दे सकते हैं, आप मेरी पत्नी को छुटकारा दे सकते हैं, छुटकारा आपके पास है। पिता, आपने अपने बेटे को मुझे छुटकारा देने के लिए उसका लहू बहाया, उसका प्राण दिया है, मुझे पावर देने के लिए। परमेश्वर ने, आप इन बातों को व्यर्थ न समझें, पिता आपने अपने बेटे को बलिदान किया है मुझे पावर देने के लिए। हालेलुया। बिना लहू बहाए ये यहाँ भी उत्पत्ति की पुस्तक में पहले से ही यीशु के आने की भविष्यवाणी है और यहाँ पे लिखा हुआ है 9:8 में, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ, और जब सब जीवित प्राणियों से जो भी तुम्हारे संग हैं, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं, और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे और पृथ्वी नष्ट नाश होने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जीवित प्राणी संग हैं उनके साथ युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ। हालेलुया। ये शांति की वाचा है और ये शांति की वाचा सुसमाचार है। ये शांति की वाचा है जो यीशु मसीह के बलिदान और उसके जी उठने और उसके नाम में है। छुटकारा उसके नाम में है, चंगाई उसके नाम में है, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। हालेलुया, हालेलुया। 8वें अध्याय में यहाँ पे लिखा हुआ है, हालेलुया, शांति की वाचा बांधता हूँ। परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम से, ये पहले से ही भविष्यवाणी थी और ये ठीक समय पर परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेज कर पूरा किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने इन बातों को समझे आप कि बाइबल ही एकमात्र ऐसी पुस्तक है, ऐसा वचन है जो यीशु मसीह के आने की सटीक भविष्यवाणी करता है और मनुष्य के उद्धार की, मनुष्य के अंधकार के राज्य में से निकलकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की और आत्मिक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की, अशुद्ध आत्माओं के राज्य में से निकाल ले जाने की। पता नहीं, लोग पूजा करते हैं और कड़ा पीपड़ा माथे लटकी रहे हैं वननाथ में पतों ने, लेकिन यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं वो उसके साथ, उस दूल्हे के साथ चले जाएंगे स्वर्गीय राज्य में, पिता के राज्य में, पिता के घर में।